बाप पे प्रूफ है करने के लिए? यूं ही बोलने जा रहा है तू, ठीक है? और बहन के लंड प्रूफ प्रूफ कर रहा है, प्रूफ प्रूफ कर रहा है। प्रूफ पता है क्या होते हैं? तेरे बाप पे प्रूफ है? तेरे बाप तो गांठ मार के रखता था कंडोम की, जब भी तेरी माँ को चोदता था बोसड़ी के। के सबूत है कि तू तेरे बाप की औलाद है? सबूत यही है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक विद अनदर पबजी मोबाइल वीडियो, और यू कैन से कंट्रोवर्सी वीडियो। सो गाइस, आज की वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कह नहीं सकते, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइस हमारे पबजी से रिलेटेड ही है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब थोड़ी आपको मज़ा तो आएगा भाई ये सुनने में, क्योंकि आप जानती हो कि भाई अभी जो 50 लाख का जो स्कैम हुआ है, जो हमारे गॉड निक्सन भैया ने किया है, जो उन्होंने नहीं, सिर्फ उनके उनको मिला के उनके दो फ्रेंड और उन सब ने मिलकर ये स्कैम किया है। तो 50 लाख का स्कैम है ये पूरा टोटल मिलकर, अभी बस 50 लाख का माना गया, लेकिन पता नहीं कि आगे उनने भी कितने का किया होगा, लेकिन गॉड निक्सन को मिला के 50 लाख का, क्योंकि उसने, आप जानते हैं जैसे कि 40 हज़ार, 40 या 45 हज़ार अपने यूसी अपने अकाउंट में डाले, अपने अकाउंट में, अपने भाई के अकाउंट में, जो कि इनडायरेक्टली उसके अकाउंट में मानी जाएगी, और उसने उसे खर्च भी कर दिया है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को पॉपुलैरिटी सेंड करी है और बहुत ही कुछ और चीज़ करी होंगी, मेरे को अच्छे से ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन गाइस आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस जिसको नहीं पता है कंट्रोवर्सी क्या है, तो गाइस मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ। तो गाइस शुरू में क्या होता है कि AWOP एक वीडियो निकालता है इनको एक्सपोज करने के लिए। तो गाइस क्या होता है कि वो पूरी तरह से उस पर बहुत सारी वीडियो फिर बनने लगती है, जैसे चीटो मैन, रूट स्नाइपर, कॉन्ट्रोवर्सी कैमर, ये सब वीडियो उस पर बना देते हैं कि ये स्कैमर 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 है। फिर उसके बाद इसके रिप्लाई में अपना जो गॉडनिक्सन है वो कहता है कि मैं स्कैमर नहीं हूँ, लेकिन उसमें उसने ये प्रूफ नहीं किया कि भाई वो पक्के में स्कैमर नहीं है, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिर उसके बाद उसने एक रिप्लाई वीडियो बनाया। फिर उसके बाद ओम ओपी को हेट मिलने लगा, क्योंकि उसने बोला कि इस पे जो झूठे वो हैं इल्ज़ाम वो लगाए ओपी ने गॉडनिक्सन पे। लेकिन उसके बाद फिर आज ओम ओपी ने एक और वीडियो डाला है, जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है और बहुत ज़्यादा शॉकिंग सा लगा मेरे को कि भाई ये सब भी हुआ है। सो गाइज मैं आपको भी आगे वीडियो में वो भी बताऊंगा। तो गाइज यही सब हुआ, तो फिर आगे गाइज और किसान इसको रिप्लाई करता है कि नहीं, और फिर चलिए गाइज आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि गाइज ओम ओपी की मेरे को बहुत ही कम ज़्यादा गलती लगती है, क्योंकि गाइज क्या है कि जो हमारा ओम ओपी है उस पर सारी अब बहुत सारी वीडियो बनी है कि भाई तू झूठा है, तूने ये गलत किया, भाई एक अपने अच्छे रियल प्लेयर या अच्छे प्लेयर के ऊपर तूने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है, तो कहीं से तूने बहुत गलत किया, ऐसे बहुत वीडियो बनी। रूट स्नाइपर ने उसमें बहुत गाली दी है भाई, वो जो आपने देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, लेकिन गाइस उसमें भी उसने बहुत गाली बकी है। और एक एक है नारू वाइटी जो इस स्कैम में जुड़ा हुआ है, तो चलो मैं आपको उस पॉइंट पे ले आता हूँ। तो गाइस क्या होता है कि जो गॉड निक्सन है वो इसके जो सिड गॉड सिड नाम रहता है उसका, वो है ना उसको बताता है कि ऐसा मतलब ऐसा ग्लिच विलिच है, तो अपने अपने अकाउंट में यूसी तुम डाल सकते हो बहुत ज़्यादा है ना। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है भाई यार, मैं अपना अकाउंट तो यार दिया नहीं, उसने अपने भाई के अकाउंट से किया, तो गाइस उसके अकाउंट में तुरंत के तुरंत 45,000 UC आ गई। सो क्या होता है कि भाई जो गॉड सेड है, नहीं गॉड निक्सन है, उसे लगता है कि भाई जैसा अपना हमारा कितना 1100 UC का जो ग्लिच आया था वैसे ही कुछ है, लेकिन गाइस ये ऐसा नहीं था, ये किस कुछ ही और रीज़न या फिर कार्डिंग का इशू है शायद तक, जिसमें अपन दूसरे का जो कार्ड है या फिर दूसरे के अकाउंट से पैसे लेके UC खरीद सकते हैं। सो गाइस इसमें देखो गाइस, सबसे पहली बात कि गॉड निक्सन की ये गलती है कि गाइस देखो गॉड निक्सन को है ना जब पता था कि गाइस ये ऐसा, मतलब हम भाई अब देखो भाई गॉड निक्सन का कितना बड़ा चैनल है, ओवर 7 लाख तो होने वाले हैं, 650 लाख, हाँ 650 लाख उसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो गाइस देखो इतने बड़े चैनल होने के बाद भी तो इतना ऐसा रिस्क तो उठा नहीं सकते भाई, किसी भी ग्लिच हो उसको पहले भाई आप पूछो या फिर उससे बोलो कि तुम भाई रिकॉर्ड करके बताओ कि ये पूरी बात क्या है या फिर पूरी चीज़ है क्या, पूरा अच्छे से बताओ। ऐसे ही तुमने हाँ बोल दोगे तो कहीं तुम्हारे ऊपर तो ये सब चीज़ें लगेंगी। तो कहीं और अगर आप तुम्हारे पास 45,000 UC आ गई है, तो भाई वो किसी ना किसी के अकाउंट से तो आई होगी, तो कहीं अब तुम उसे कैसे वापस करोगे गाइस, इस पर तुम्हारा हाथ तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि गाइस अगर पुलिस केस होता है या फिर कुछ ऐसा होता है, वैसे तो मेरे को नहीं लगता, लेकिन भाई अगर होता है तो
अगर होता है तो भाई इसमें गॉडनिक्सन फंस सकते हैं, क्योंकि गाइस ऐसा है कि भाई गॉडनिक्सन भले ही भाई उन चाहते नहीं हो, लेकिन भाई अब आ तो चुके हैं भाई वो, क्योंकि उन्होंने 45,000 यूसी अपने अकाउंट में लेके मतलब पूरी खर्च भी कर लिए, तो उसका आपको रिफंड ना कुछ मिल सकता है गाइस, ऐसा तो है नहीं पबजी का कुछ इशू है ना, तो गाइस ऐसा अब ऐसा हो गया। सो गाइस कह रहता है कि गॉडनिक्सन है ना वो आज ही अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं है ना, तो गाइस जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन पे, तो गाइस उनने ये पोस्ट डाली कि अगर कि मेरे पे अगर वीडियो बनना बंद नहीं हुई और मेरे पे ये सब मतलब लगाना बंद नहीं हुए है ना, तो गाइस मैं जितने भी लोग हैं जितने मेरे को ये बोला है स्कैमर और तूने पैसा खाया गरीबों का, तो मैं उनका उनके ऊपर लीगल एक्शन लेने जा रहा हूँ। तो गाइस ये गॉडनिक्सन ने आज ही पोस्ट करी है, तो गाइस इसके ऊपर ओमोपी ने वीडियो बनाई, तो उसमें उसने ओमोपी ने बोला कि भाई देख, सबसे पहले वो बताता है कि भाई मेरे को भी बहुत हेट मिली और उसको भी भाई बहुत ज़्यादा हेट मिली है ना, तो भाई उसके कुछ भाई ऐसे जो एक नरू वाइटी है, चलो मैं आपको उसकी वीडियो प्ले करके दिखा दूँ कि वो कैसे मतलब, देखो मैंने भी भाई ओमो की वीडियो देखी जितनी भी उसने कंट्रोवर्सी कवर करी है, लेकिन उसमें भाई उसने बहुत ही ज़्यादा कम गालियाँ दी हैं, लेकिन भाई इस नरू वाइटी ने भाई जो खुद ही गाइस एक स्कैमर है, लेकिन भाई उसने अपना है ना इतनी गाली दिया ना मूवी को, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, तो आप ये वीडियो देखो। तेरे बाप पे प्रूफ है करने के लिए, यूं ही बोलने जा रहा है तू, ठीक है? और बहन के लंड प्रूफ प्रूफ कर रहा है, प्रूफ प्रूफ कर रहा है, प्रूफ पता है क्या होते हैं? तेरे बाप पे प्रूफ है, तेरे बाप गांठ मार के रखता था कंडोम की, जब भी तेरी माँ को चोदता था वो सड़ी गए, के सबूत है कि तू तेरे बाप की औलाद है, सबूत ये। सो गाइस ये तो वही बात हो गई कि उल्टा तेरी भैंस की टांग वापस मैं भूल गया, तो भाई जिसको याद हो जो मैं उल्टे से शुरू होती है भाई वो मेरे को कमेंट में बता देना। देखो तो गाइस इसमें तो भाई उल्टी से बात, भाई जो स्कैम कर रहा है वो ऊपर से भाई गाली भी बक रहा है ना, कि भाई वो ओमोपी ने उसको गाली बकी थी, तो गाइस उसका तो गाइस ये वीडियो को है ना हमारा जो गॉडनिक्सन है वो उसे प्रमोट कर देता है नरू वाइटी की वीडियो को, तो गाइस ये उस भाई अगर गॉडनिक्सन इतना बड़ा चैनल प्रमोट करेगा तो भाई बहुत ज़्यादा वायरल हो ही सकती है, तो गाइस ये वीडियो भी बहुत वायरल हो गई। और गाइस क्या होता है कि इसके बाद जो है ना इसके पेरेंट्स ओमोपी के पेरेंट्स या फिर उसके पापा मम्मी भाई फैमिली को मिल जाती है ये वीडियो, तो गाइस इस वीडियो को मिलने के बाद जो गाइस क्या होता है कि फिर वो उसके पापा पापा देखते होंगे भाई, तो उसने फिर बताया कि गाइस उसके पापा ने गुस्से में उसका जो आईपैड जिस वो गेम खेलता है और वीडियो एडिटिंग करता है, तो भाई उसने ब्रेक कर दिया, फिर तोड़ दिया उसके पापा ने, तो गाइस मैं उसकी भी आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये वो आईपैड जो टूटा है, ये मैंने अपनी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम से लिया था पिछले महीने, लाइक सबने इंस्टा स्टोरी में देखा होगा, तो इसको तोड़ दिया मेरे मतलब जिसमें वीडियो वीडियो सब बनाता था, अभी भी ये चल रहा है लेकिन इसका साइड साइड। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं गाइस उसके पहले यूट्यूबर ने से उसने जो आईपैड लिया था गाइस बहुत ही ज़्यादा उसको भाई मैं तो बोल रहा हूँ भाई बहुत ही बुरा लगा होगा, क्योंकि गाइस अगर मेरी ऐसी चीज़ टूट जाए ना तो भाई मैं तो आत्महत्या ही कर लूँ भाई, अबे नहीं नहीं भाई आत्महत्या ज़्यादा हो गया, सॉरी रो रो के पागल हो जाऊँ एक कोने में बैठ के, तो गाइस ऐसा होगा भाई मैंने सोचा नहीं था, लेकिन भाई अब भी बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, तो भाई ओमोपी ने बोल दिया कि भाई मैं इसके ऊपर भाई ज़्यादा अब मैं वीडियो बनाऊंगा यानी, क्योंकि भाई अब उसके पास ना एडिटिंग के लिए कुछ है, तो भाई वो थोड़ा सा यूट्यूब क्विट कर रहा है कुछ दिनों के लिए, सो गाइस देखते हैं यार भाई ओमोपी वापस आ जाओ यार तुम्हारी भाई जो बकचोदी है हमें वापस चाहिए भाई, कि आप इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हो यार प्लीज़ आ जाओ आप भी है ना, तो गाइस गॉडनिक्सन का ये होता है। फिर भाई वो बीच में ना वीडियो में अपने कुछ गॉडनिक्सन से कुछ सवाल भी पूछता है कि गाइस देखो उसने बोला कि अगर तू स्कैमर बोल रहा है मतलब मैं अपने आप को स्कैमर नहीं बोल रहा है, तो गाइस ये बता कि जो तूने 100 रॉयल पास का जो गिवे गिवे रखा था है ना, तो वही उसने रखा था गॉडनिक्सन ने, तो वो तूने पूरा क्यों नहीं किया? उसने सिर्फ 10 बंदों को रॉयल पास दिया और 90 बंदों को नहीं दिया, तो गाइस वो क्यों नहीं दिया और कहाँ गई वो यूसी या फिर क्या था जो भी सिस्टम वो कहाँ है ये सब मतलब कहाँ है वो गिव अवे और क्या हुआ उसका उसका जवाब दे। और फिर है ना गॉडनिक्सन ने बोला और रूट स्नाइपर ने बोला था उसको कि तूने है ना नरू आईटी को फॉलो मतलब अपने डिस्कॉर्ड या फिर कुछ नहीं इंस्टाग्राम से ब्लॉक क्यों नहीं किया? हाँ सबसे पहली बात है ना नहीं ओम ओपी ने पूछा, सॉरी गाइस ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मेरा भी है ना, कि ओम ओपी ने पूछा था उससे कि तूने नरू आईटी को पहले जब स्कैम तो उसके 2 दिन बाद वीडियो डाली थी, लेकिन तूने उसको 2 दिन बाद जब वीडियो आई उसके बाद क्यों ब्लॉक मारा, पहले क्यों नहीं ब्लॉक मारा भाई? अगर तुम्हें पता था कि तुम्हें वो स्कैमर और उसने ऐसा कुछ गलत किया है तो उसने पहले क्यों नहीं मारा? इसका जवाब अभी देखते हैं भाई गॉडनिक्सन देता है कि नहीं। और उसने ये भी पूछा, उसने ये भी बताया कि भाई क्यों तुम बोल रहे थे कि मैंने क्यों नहीं नरू वाइटी को ब्लॉक किया, तो गाइस देखो
मतलब मैसेज किया, मैसेज नहीं किया तो वही से इंस्टाग्राम पे, तो अमर भी ने बोला कि देखो भाई मैंने मैसेज इसलिए किया क्योंकि गाइस मैं कुछ नरू आईटी ने खुद चैलेंज किया था कि मैसेज कर अगर दम है तो भाई, सो उसने मैसेज कर दिया। तो गाइस ये इसमें भाई ओम भी की मेरे को भाई गलती वैसे लगती तो नहीं है, लेकिन भाई मेरे को फुल पता नहीं क्या है भाई कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है इस कॉन्ट्रोवर्सी में और बहुत ही ज़्यादा लंबी चल रही है। तो गाइस अगर मेरे को और भी कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ मिलता है तो अगर आपको भाई फुल डिटेल में जानना कि ओम ने क्या बोला तो गाइस मैं उसकी लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो गाइस आप उधर पर जाके भी देख लेना भाई उसकी वीडियो, और उसको भाई हो सके तो कमेंट में लिख देना भाई हम तेरे साथ हैं या फिर मत लिखना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी भाई पता नहीं भाई अभी पूरा क्या है भाई, स्कैम का कुछ पक्का नहीं है। तो गाइस मैं अगर भाई कुछ भी अगर गॉडनिक्सन की तरफ से रिप्लाई आता तो मैं उसे ज़रूर अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपको देखते रहना है भाई कि ये कॉन्ट्रोवर्सी में क्या होने वाला है तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो गाइस मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।